नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दो का दम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले कर लेते हैं गुजरात चुनाव की। आखिरकार गुजरात चुनाव क्या शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होगी वोटिंग और 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के साथ ही गुजरात के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो दोनों राज्यों के चुनाव के परिणाम एक साथ सामने आएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ साथ गुजरात के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में किसके सर सजेगा जीत का ताज, वो तस्वीर 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। गुजरात का 1 और 5 नवंबर को चुनाव होने हैं गुजरात में, और 8 दिसंबर वो तारीख जब हिमाचल और गुजरात की तस्वीर साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किसके नाम पर किसके काम पर भरोसा जताया है। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वुड बी फॉर द फर्स्ट फेज 5th of November एंड फॉर द सेकेंड फेज 10th of November। For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule.